वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। गुर ते ज्ञान पाए जन कोए, गुर ते बूझै सीजै सोए। सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी, गौड़ी राग विच ग्वारेरी दी जाति है इसकी। सतगुरु कृपा कर रहे हैं चल रही लड़ीवार विचार दे विच पावन अंग 158 ते। सतगुरु जी बख्शिशां वरता रहे हैं। हे भाई, कोई विरला ही जन भगत प्रेमी सेवादार संसार विच सतगुरां तों ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सतगुरां तों बगैर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जो गुरु साहब दे पासों अमृत नाम बूझै गईए पुछदा है, ओह पुरख सीजै मुक्त हो जाता है। गुर ते सहज साच बीचार, गुर ते पाए मुक्त द्वार। गुरु साहिब जी तो ही सहज ज्ञान प्राप्ति का सच्चा विचार मिलता है। फिर प्रश्न है कि हे सतगुरु जी, ज्ञान तो गुरां तो पा लईदा है, कृपा करके दसो कि मुक्ति का द्वारा कितों प्राप्त होंदा। गुर उत्तर बख्शिश करते हैं इसे पावन शब्द विच कि हे भाई, गुरु साहिब तो ही संसार तो मुक्ति का द्वारा अपरोख ज्ञान पाया जाता है। फिर प्रश्न है, गुरु साहिब जी परमेश्वर मिलता किसनू है? गुर उत्तर बख्शिश करते हैं, पूरै भाग मिलै गुर आए, साचै सहज साच समाए रहाओ। पूरै पूरन भाग कर्मा वालिया नू ही गुरु साहिब जी मनुखा जन्म में आ करके मिलते हैं। प्रश्न है, ये सतगुरु जी जिन्हां नू सतगुरु जी मिल जाते उन्हां नू की लाभ हुंदा? सतगुरु गुर उत्तर बख्शिश करते हे भाई, जेड़े सच्चे दा सरवण करके सहज शांति पूर्वक मनन करके निध्यासन करते हैं, वो सच्चे नाम नू जपन वाले साच कही सच स्वरूप विच ही समा जाते हैं, अभेद हो जाते हैं, रहाओ विश्राम दे के सतगुरु अगे फरमाते हैं। फिर प्रश्न है, हे सतगुरु जी, गुरु साहिब जी दे मिलन नाल की लाभ प्राप्त हुंदा? गुर उत्तर बख्शिश करते हैं, गुर मिलिया तृष्णा अग्न बुझाए। गुरु साहिब जी दे नाल मिलने करके संसार दे पदार्थां दी तृष्णा रूपी अग बुझाए बुझ जाती है। जिवें जंगलां दी अग वरखा होण तों बुझ जाती है ना, इसे तरह सतगुरु जी का उपदेश बदल दी न्याई है। तृष्णा रूपी अग नूं उपदेश रूप वरखा करके बुझा दिंदे हन। गुर ते सांत वसै मन आए, गुर कृपा भाव गुरु तो ही शांति मन विच आ के वसदी है। सारियां वासनावां दा खै हो जाण दा नाम शांति है। भाव जिन्नियां वासनावां होण सारियां मिट जाणियां ते चित ने शांत हो जाणा। गुर ते पवित पावन सुच होए, हे भाई, गुरु साहिब जी दे उपदेश तो ही मन पवित्र शरीर पावन शुद्ध ते इंद्रे सुच सुचे हो जाते। गुरां द्वारा मन बाणी शरीर करके पवित्र हो जाइदा। गुरु दे पवित्र उपदेश द्वारा पावन नाम नूं जपने करके ओह पुरख सुचे हो जाते हैं। उन्हां दी संगत करन वाले पवित्र हो जाते हैं। उन्हां नूं सथूल शरीर की हंगता की मैल, सूखम देह की वासना अते कारण देह की हंगता नहीं रहिंदी। गुर ते शब्द मिलावा होए, गुरां तो ही उपदेश लैके ही वाहिगुरु का मिलाप हुंदा है। शब्द ददे नू सिहारी है, सो इस शब्द दे इस करके संबंधक शब्द बनाउणा है। बाज गुरु सब भरम भुलाई, सतगुरु साहिब जी तो बगैर सारी सृष्टि ही अग्ञान ने भरम भुलेखियां विच पा के भुला दित्ती है। बिन नावै बहुता दुख पाई, हे भाई, सच्चे पातशाह दे नाम तो बगैर सारी सृष्टि जम्मण मरण का बहुता भारा दुख पा रही है, भाव जूना विच भरमदी रही है। प्रश्न है, हे महाराज जी, नाम सारे क्यों नहीं ध्यांदे? तां गुरु साहिब जी उचारण करते हैं,
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧਿਆਈ ਕਹੀਏ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਨੋਂ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸੋਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸੋਈ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਚ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਥਾਉ ਸੱਚ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਉ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋ ਥਾਉ, ਸੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਉ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵੱਸਦਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪੈ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ, ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੈਸ ਸੁਥਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਥਾਏ ਕਹੀਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਕਹੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਕਹੀਏ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਲੋ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਨ ਚਾਖੈ ਫੀਕਾ ਆਲਾਏ। ਦੂਜੈ ਕਹੀਏ ਭਾਏ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀਭਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਫੀਕਾ ਫਿੱਕੀਆਂ ਬੇਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਏ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਵਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਤਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
जिन्हों की रसना ने वाहगुरू दे हरी दे प्रेम रस नू शांति सुभाए सुभा धार के सहज सुते सिद्ध चख्या है। गुर किरपा ते सच समाए, उन्हां उत्ते सतगुरां दी किरपा दृष्टि हुंदी है, ओह सच्चे सरूप विच समा जांदे हन। साचे राती गुर शब्द विचार, जिन्हां दी जुबान सच्चे नाम विच रती होई है उन्हां नू गुरु द्वारा शब्द ब्रह्म दी विचार प्राप्त हुंदी है। अमृत पीवै निर्मल धार, उन्हां दी रसना अमृत नाम दी निर्मल धारा नू पींदी है, हर वक्त उन्हां दी सुरत अमृत रूपी नाम नू पींदी है। उन्हां दे अंदर निर्मल उज्जल धार एक रस ब्रह्माकार बिरती होण रूप लालच तो रहत नाम दा प्रवाह पैंदा है। नाम समावै जो भाडा होए, हे भाई जिहड़ा भाडा पात्र भाव अधिकारी होवे उसदे हिरदे विच नाम समाउंदा, जिमें शेरनी दा दुध सोने दे बर्तन तो बिना होर किसी भी धात दे भांडे विच चो दईए तां सारियां विचों शेक करके निकल जांदा, भाव भांडा पाड़ जांदा। अमरीका वालिया ने शेरनी दा दुध मशीनां नाल चो के वेख्या, ओह सोने दे भांडे तो बगैर किसी विच भी नहीं टिकिया। इसे प्रकार परमेश्वर दा नाम शेरनी दे दुध दी न्याई किसी तो हिरदे विच टिकाया नहीं जांदा। जिहड़ा हिरदे रूपी भांडा पात्र सोने दी न्याई शुद्ध चित होवे उस दे विच ही पवित्र नाम टिकदा है, बाकी दे नहीं टिका सकदे, झट ही मन होर पासे लग जांदा। उंदै भांडै टिकै न कोय, गुरु जी कथन करदे हन जिहड़ा भांडा उंदै मुद्दा होवे भावें उस विच सौ गऊआं दा दुध चो के पाई जाइए एक बूंद भी नहीं टिकदी। गुर शब्दी मन नाम निवास, जिहड़ा गुरु साहिब जी दे शब्द दी नाम दी कमाई करे उस दे मन विच परमेश्वर दे नाम दा निवास हुंदा है। नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास, गुरु जी कथन करदे हन कि ओह सच्चा भांडा पात्र है जिसनू परमेश्वर दे नाम जपण दी प्यास कहिए त्रेह भाव इच्छा लगी हुई आ। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, एक गावत रहे मन साध न पाए, एक गवैये लोग ठमरियां ढोलक नाल गाउंदे रहिंदे आ, उन्हां ने मन विच परमेश्वर दे नाम दा स्वाद नहीं पाया भाव वो खाली रहिंदे आ। होमै विच गावै बिरथा जाए, अपनी सुर नूं चंगी वेख वेख होमे विच गाउंदे आ, इस करके वाहिगुरू दे दर विच प्रवान नहीं हुंदे, उन्हां दा गाव्या व्यर्थ निसफलता ही जांदा है। गावण गावै है जिन नाम प्यार, हे भाई असल गाउणा ओह गाउंदे हन उन्हां दा, गाउण वालियां दा गाउणा सफल है जिन्हां दा नाम नाल प्यार है, जिन्हां दा परमेश्वर वाहिगुरू नाल प्रेम है। साची बाणी शब्द विचार, गुरां दी सच्ची बाणी द्वारा परमेश्वर ब्रह्म दी विचार करदे हन। गावत रहै जे सतगुर भावै, ओह हर वक्त परमेश्वर दे जस नूं गाउंदे ही रहिंदे जे जो सतगुरु जी नूं भावै पाउंदे हन। मन तन राता नाम सुहावै रहाउ, उन्हां दा मन तन नाम रंग विच रंगिया जांदा है, नाम जपणे करके ही ओह लोक परलोक विच सुहावै कहिए शोभनीक हुंदे आ रहाउ। एक गावै एक भगत करे, एक कहिए कई लोग गवीए बन के गाउंदे हन, कई लोग नृतकारी दी भगती करेह कहिए करदे हन, कई लोगों ने नचण नूं भगती समझिया है, कई नाचे बन के मोरां वांगू पैलां पाउंदे हन। नाम न पावै है बिन असनेह, ओह वाहिगुरू दे असनेह प्रेम तो बिना नाम नूं नहीं पा सकदे, भावें कितने वड्डे गवैये होण, नृतकारी करन दी भगती करदे होण, रास आदिक नूं पाउण वाले होण, पर ओह विशेष करके परमेश्वर दे प्रेम तो बिना ही हन। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार,
हे भाई उन्हां गुरमुखां दी सच्ची भगती है जो गुरु दे शब्द उपदेश नाल प्यार कहिए प्रेम करदे हन अते अपना पिर राखिया सदा उरतार। जिन्हां ने अपना जान के पिर पति परमेश्वर नूं सदा हमेशा ही और हिरदे विच धार धारण करके रख्या होया है। भगत करहै मूरख आप जनावै। जिहड़े अपने आप नूं जनाउंदे हन कि असीं रास पाउण रूप भगती करदे हाँ ओह मूरख बेसमझ हन। अते नच नच टप्पै है बहुत दुख पावै। ओह नच नच के टप्पदे हन भाव छाला मारदे आ ओह तहां नूं टप्पदे आ। इह नचण टप्पण करके बहुत दुख नूं प्राप्त करदे आ। जन्म मरण दा बहुता दुख पाउंदे आ। नचै टप्पै भगत न होए। नचारां वांगू नाचे बन के नचण नाल पचादियां वांगू टपूसियां मारन करके लुड्डी पाउणे करके वाहिगुरू की भगती नहीं हुंदी। नचण टप्पण आदि का नाम भगती नहीं है। शब्द मरै भगत पाए जन सोए। हाँ जिहड़े गुरु दे शब्द उपदेश की कमाई करके जीवत भाव वल्लों मर जाण ओह जन ओह पुरख ही परमेश्वर की भगती नूं पा सकदे आ ते भगती करदे हन भगती नूं पा लैंदे हन। भगत वशल भगत कराए सोए। भगती करन वाले भगतां दा वशल प्यारा परमेश्वर गुरां द्वारा जिन्हां तों भगती कराउंदा है सोए कि ओह पुरख ही भगती कर सकदे आ ते करदे आ। अगे प्रश्न है जगैसू दा कहे सतगुरु जी भगती दा लक्षण तां दसो किसनू भगती कहिंदे आ। गुर उत्तर बख्शिश करदे आ सच्ची भगत विच हो आप खोए। हे भाई जिहड़ा हिरदे विचों आपा भाव हंकार देह अभिमान नूं खो देना भाव मार देना है इहो ही सच्ची भगती है। मेरा प्रभ साचा सब बिद जाणै। मेरा सच्चा प्रभु अकाल पुरख सारियां विधियां जुगतियां नूं जाणदा है। नानक बख्से नाम पछाणै। गुरु जी कथन करदे हन कि जिहड़े गुरां द्वारा नाम की पछाणै पहचान करदे हन उहनां नूं वाहिगुरू बख्शे कहिए बख्श लैंदा है। गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। मन मारे धात मर जाए। हे भाई जेकर मन दा मंदा सुभाव मार देवे तां धातां अपने आप ही मर जाणगियां। धात भाव माया दी इच्छा मर जाती है। जूना विच धात धौणा धौणा कहिए दौड़ना मर जाता। बिन मूए कैसे हर पाए। मन दा मंदा सुभाव मूए मारे तो बगैर किस तरह कोई परमेश्वर नूं पा सकता है भाव नहीं पा सकता। मन मरै दारू जाणै कोय। जिस नाल मन दा मंदा सुभाव मरदा है उस दारू दवाई नूं कोई विरला ही जाणदा है। भाव मन मारना मन दे सुधारन दा नाम है। जिवें पारा सोधण दा नाम पारा मारना है। शब्द दी कमाई करके मन दे सोधण दा नाम मन मारना है। मन शब्द मरै बूझै जन सोए। हे भाई यह मन गुरु साहिब जी दे उपदेश दे नाल ही मरदा है। पर जो इस गल नूं बूझै समझ लवे ओह ही हरी दा जन है। जे कोई मन मारना चाहुंदा है तां ओह गुरां द्वारा बुझ भाव समझ लवे। अर्थात जिस प्रकार कच्चा पारा थोड़े जिहे पैसियां दा ही हुंदा है इस प्रकार जिन्ना चिर मन कच्चा है जम्मण मरण दा थोड़ा मुल ही इस नूं मिलदा। जम्मदा मरदा ही रहिंदा। जिस प्रकार अंत वेले इस दे सिर दे कोल जा के पानी दी मग्गी पा दिंदे आ क्योंकि अंत की बार गगरिया फोरी। गुरु जी कहिंदे हन कि कच्चे पारे दी तरह कच्चे मन दी हालत है। जदों पारे नूं बूटियां विच रला के खरल कीता जावे किसी प्रकार पारे दा किणका भी नज़र ना आए केवल बूटी दा हरा रंग ही रह जावे तां इह समझो कि पारा खरल हो गया। फिर उस पारे नूं अग विच दिंदे हन कि कच्चा ना रहे पार भारा ना रहे इह अग दे विच उड ना जावे अते सोधिया भी जावे। फिर उस पारे नूं संपट देईदा है। जदों पूरा सोधिया जावे ना फिर उस नूं कख को लै के खाइए तां खाण वाला आदमी
मन खुराक हजम करन दी शक्ति प्रदान कर सकदा अते हाथी दा मुकाबला करन जिनी ताकत हो जांदी। जेकर रत्ती को कली विच पा दईए तां चांदी अते जेकर थोड़ा जिहा तांबे विच पा दईए तां सोना बन जांदा। ऐसा वैदा ने मन्या है। इस प्रकार जदों गुरु साहब जी दे हथ सिख दा मन रूपी पारा आ जावे, गुरु साहब जी दी बाणी निर्मल बूटी है, इस नूं निश्चय रूपी सुनहरे कुंडे सुनियारे विच पा के अभ्यास रूपी डंडे नाल रगड़िया, जदों रगड़दे रगड़दे बाणी दा ही आनंद रह जावे, होर मन दे सारे संकल्प मिट जाण, उदों इह मन रूपी पारा खरल होया जाणीदा है। फिर इस नूं जो संपट देना है, अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखणा, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या, दरगह पाइया ठाओ, कहो नानक किरपा करे, जिसनों एह वत दे, जग मह उत्तम काढ़िए, विरले के ही के। सारे इंद्रियां नूं गौण करके मन दे संकल्प मेट के गुरु दे सरूप विच लीन होना मन दा संपट रखना है। जिवें आलस आउणी कथा सुनदे ही लुटकण लग जाना, इह मन उड ना जावे जां किसे जूना विच ना भटकदा फिरदा होवे अते कच्चा ना रह जावे, इस दे अंदर विषयां दी वासना ना रह जावे। जदों पूरा सोधिया जावे फिर जे कोई कख को सतसंगत करे, भाव थोड़ी जी संगत करे तां मन खुराक खाण वांग सारियां रिद्धियां सिद्धियां दीआं ताकतां इस दे चरणी आ लगदियां अते रिद्धियां सिद्धियां दीआं ताकतां हजम करन दी ताकत इस नूं मिल जांदी। उह किसे नूं भेद नहीं दिंदे, इतना वड्डा आनंद उहनां नूं प्राप्त हो जांदा है, क्योंकि उहनां दी जो अवस्था है, होन नजीक खुदाए दै भेत न किसै देन, सारियां शक्तियां उहनूं विच ही अजर अवस्था विच जर लैंदे आ, काल रूप हाथी दा मुकाबला करन वाले हो जांदे आ। जो उपाशक हन कली दी न्याई उहनां नूं सोधिया होया मन इष्ट देवता रूप बना लैंदा है, जो जग्यासु जन हन उहनां नूं तांबे दी न्याई शुद्ध रूप सोना बना दिंदा है। शुद्ध मन इहो जिहे बल वाला हो जांदा, जिसनों बख्शे देवड़ियाई। हाँ, जिसनों गुरु साहिब जी बख्श करके नाम जपण दी वडियाई शोभा दे दिंदे हन, ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान दी वडियाई दे दिंदे हन। गुर प्रसाद हर वसै मन आई राव। गुर गुरां दी किरपा द्वारा उस दे मन हिरदे विच परमेश्वर आई के गे आ करके वसदा है रहाओ। गुरमुख करणी कार कमावै। जद कोई गुरमुख बन के मुखी गुरां द्वारा करणी करने योग भगती रूपी कार नूं कमावै कहीए कमाउंदा है, तां इस मन की सोझी पावै। तदों उह इस मन दे मंदे सुभाअ नूं रोकण दी सोझी ग्यात पाउंदा है। मन मैं मत मैगल मिकदारा। इह मन हंगता ममता रूपी शराब नाल मैगल हाथी मिकदारा वांग मत हुंदा मस्त होया फिरदा। मन मैं रूपी शराब पी के मस्त हो के मैगल हाथी दे मिकदारा सदर्श हो रहा। गुरे अंक समार जीवालन हारा। गुरु रूप महावत शब्द ज्ञान रूप अंक सकुंडा मार के जीवत भाव परमेश्वर वल जीवालन हारा जिवाउण वाले हन। मन असाध साधै जन कोय। हे भाई, इह मन ना साधे जाण वाले रोग दी तरह है। कोई विरला जन पुरख ही गुर उपदेश द्वारा इस नूं साधै साधना करदा है, भाव वस विच करदा है। अचर चरै ता निर्मल होय। जिस परमेश्वर वल्लों इह मन अमोड़ हो रहा उस पासे चलना करदा है। जिहड़ा काम क्रोध आदि विकार अचर ना काबू आउण वाले हन उहनां नूं चरे अर्थात अभाव करे। जो मन संकल्पां विकल्पां विच चरै विचरदा रहिंदा उस नूं विचरन तों रहत अचल करे, तदों इह मन निर्मल उज्जल हो जांदा। गुरमुख इहो मन लैया सवार। इस प्रकार गुरमुखां ने इह मन सवार लिया है। होमै विच हो तजे विकार। हिरदे विच होमै हंगता ममता ते काम क्रोध लोभ मोह आदिक
ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧੁਰ ਰਾਖਿਅਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧੁਰ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਕਹੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਖਿਅਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੜੈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜੱਗ ਬਹੁਰਾਨਾ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਰਾਨਾ ਕਹੀਏ ਕਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਰਾਨਾ ਕਹੀਏ ਝਮਲ ਝੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੈ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਰਮ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਉਂ ਧੰਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਰਮਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਮਹ ਕਹੀਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜੀਭਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰੂਪ ਹਰੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਰਸਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਰਹਾਉ ਬਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੇਵ ਸੇਵਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਦਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਕਹੀਏ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਫਲ ਬਰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਉਹ ਜਨ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਹੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਵ ਨੌ ਨਿਧ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕਹੀਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
कि वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा मेहर दृष्टि तो ही हरी मन विच आ के वसया है। राम राम करत्या सुख शांत शरीर। हे भाई, रमे हुए राम परमेश्वर दे नाम दा अभ्यास करद्या शरीर विच शांति अते सुख प्राप्त हुंदा है। अंतर वसै न लागै जम पीर। हे भाई, जे हिरदे अंदर परमेश्वर दा नाम वस जावे तां फिर जमा दी पीड़ नहीं लगदी, जमाने दी पीड़ा नहीं लगदी। आपे साहिब आप वजीर। ओ परमेश्वर आप ही साहिब रूप है अते आप ही तत् बेता ब्रह्म ज्ञानी रूप वजीर है। गुरु स्वरूप साहिब भी आप ही है अते संत रूप वजीर भी आप ही है। नानक सेव सदा हर गुणी गहीर। गुरु जी कहिंदे हन कि सदा हमेशा उस वाहिगुरु दा सेवन करो, सिमरन करो, जो हरि अकाल पुरख गुणा दा गहीर खजाना समुंदर है। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।